सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज ये जॉन डियर 5105 40 HP का ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर में, आप सभी जानते होंगे। और आज इसको कल्टीवेटर पे ट्राई करेंगे, सेंसिंग देखेंगे इसकी कैसी सेंसिंग है, हाइड्रोलिक सेंसिंग। तो आप सभी को पहले कल्टीवेटर दिखाता हूँ। तो सभी किसान भाई देख सकते हैं, ये है हमारा कल्टीवेटर और ये हमने टॉपलिंग खोल रखी है, ठीक है। और इसका भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जॉन डियर 5103 की, जो वो ट्रैक्टर 35 HP का था और ये 40 HP का है। तो इसमें भी यही है, सेंसिंग के 3 पॉइंट आते हैं। तो इसमें कल्टीवेटर पे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे चलाना होता है, और कल्टीवेटर के तो खैर तुम कोई से भी पॉइंट में डाल लो, इसमें तो एक ही पॉइंट है, तो इसीलिए इसमें एक ही है। और इसमें सबसे नीचे वाले पॉइंट में टॉपलिंग को डाल के चलाना है। अब मैं बताता हूँ कि इसके लीवर कैसे सेट किए जाते हैं। तो एक बात और बता दूँ सभी किसान भाइयों को कि ये जॉन डियर 5105, जिन जिन भाइयों के पास जॉन डियर 5105 है वो तो खुद ही समझ जाएंगे, और जिन्होंने नया ले रखा है वो मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं लिफ्ट के सेट करने के मामले में, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये होते हैं 2 लीवर। ये वाला तो होता है सादा, ये होता है हाइड्रोलिक कंट्रोलर लीवर। तो ये हमें कहाँ पे सेट करना है, ये वाला लीवर हमें, ये हमें 7-8 से 9 के बीच में चलाना है सेंसिंग के लिए। ये आप, मैं आपको पॉइंट दिखा दूँ, हाँ ये देख सकते हो, ये जैसे 5, 6 और ये जैसे 9 वाला, ये हो गया 8-7। तो हमें 8 से 9 के बीच में रखना है, 8 पे कर लें या 9 पे कर लें, तुम जैसे तुम्हारा ट्रैक्टर जैसे 8 पे सेंसिंग करे तो 8 पे कर लें, 9 पे करे तो 9 पे कर लें, हम चला रहे हैं इसे 8 पे, ठीक है। और ये वाला लीवर से इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तुम इसे ऊपर कर लोगे तो उठ जाएगा, वरना तुम पूरा नीचे डाल के चला सकते हो कल्टीवेटर पे। तो ऐसे की जाती है इसकी सेंसिंग के लिए हाई का लिफ्ट सेट। अगर तुम्हें सेंसिंग कल्टीवेटर पे करनी है, बार बार परेशान नहीं होना। तो अब सेंसिंग का क्या फ़ायदा होता है कि हाइड्रोलिक अपने आप ही देख लेती है, अपने आप ही उठती रहती है, ज़रूरत होती है तो उठ जाती है, वरना एक लेवल से ही खेत ऊंचा नीचा रहने का कोई खतरा नहीं रहता। तो आप कर दें ट्रैक्टर को स्टार्ट, तो ये देख सकते हो ये ट्रैक्टर को चलाएगा, और मैंने लीवर सेट कर दिए हैं और ये चलाएगा। एक सेकंड रुकियो, मैं दिखा दूँ आपको 1500 से 1600 RPM पे, 1500 से 1600 RPM कर, ये देख सकते हो 1600 RPM, और टॉप के लो में चलाएगा, और लीवर वही सेट है जो मैंने किए थे। अब ये देखते रहना, ये देख सकते हो किसान भाइयों कितनी अच्छी तरीके से सेंसिंग कर रहा है ट्रैक्टर, ये देख सकते हो, और बंदा बिल्कुल लीवरों से हाथ नहीं लगा रहा, क्या शानदार ट्रैक्टर चल रहा है। ये देख सकते हो, और मोड़ पे भी हाथ नहीं लगा रहा है, लिफ्टों से लीवरों से मोड़ पे भी हाथ नहीं लगा के चला रहा है, ये देख सकते हो आप, और क्या शानदार लिफ्ट सेंसिंग कर रही है। ये देख सकते हो किसान भाइयों, इसको कहते हैं सेंसिंग, जॉन डियर की फुल लीवर ड्रॉप, और सीधा ले सीधो, इसे कहते हैं असली सेंसिंग, फुल लीवर डाल फुल, और RPM भी बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर रहा है ट्रैक्टर। ये देख सकते हो सेंसिंग, सेंसिंग का असली कमाल देख सकते हो आप, ये है इसकी सेंसिंग, मोड़ ले घुमा ले, ये है इसकी असली सेंसिंग, फुल लीवर डाल दे फुल, ये देख सकते हो इसकी सेंसिंग, और कल्टीवेटर देख सकते हो कितना बैठ रहा है, ये है इस ट्रैक्टर की सेंसिंग, ये देख सकते हो, बंद कर ले बंद। तो किसान भाइयों ये है इसकी
असली सेंसिंग ट्रैक्टर की। तो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो क्या शानदार चल रहा है ट्रैक्टर। तो सेंसिंग का फायदा हमें यही होता है कि एक बार हम अगर हाइड्रोलिक सेट करना जॉन डियर की सीख जाएं, तो इससे अच्छी सेंसिंग किसी ट्रैक्टर की है नहीं। जो सेंसिंग जॉन डियर की है वो सेंसिंग किसी की मैं मानता नहीं। बहुत ही अच्छी सेंसिंग करता है ट्रैक्टर, ये आप देख सकते हो क्या शानदार सेंसिंग कर रहा है। और 9 टाइन का कल्टीवेटर है, क्या शानदार ट्रैक्टर खींच रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। ये देख सकते हो किसान भाइयों, ना ही ट्रैक्टर दब रहा है और ना ही कोई स्लिप काट रहा है, आराम से बहुत प्यार से कल्टीवेटर को खींच रहा है, ये देख सकते हो। और बंदा लीवरों से कोई हाथ टच नहीं कर रहा है, जहाँ पे सेट किए थे वहीं पे आराम से चल रहा है ट्रैक्टर, ये देख सकते हो। ना ही मोड़ पे दिक्कत कर रहा है, ना ही सीधे चलाने में दिक्कत कर रहा है, ये देख सकते हो। और 3 सिलेंडर 40 HP के साथ ट्रैक्टर है, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है जॉन डियर वालों का 51-05। 40 HP की कैटेगरी में इतना शानदार ट्रैक्टर आपको किसी भी कंपनी का नहीं मिलेगा। जो चीज़ जॉन डियर में है, जो फ्यूचर जॉन डियर में है 40 HP के ट्रैक्टर में, इसमें वो फ्यूचर आपको किसी ट्रैक्टर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये देख सकते हो आप, लीवर वहीं पर सेट कर लिए जो मैंने करे, लीवर वहीं पर सेट कर लिए जो मैंने वहां करे, लीवर वहीं पर सेट कर लिए जो मैंने करे। ये देख सकते हो किसान भाइयों, और अब मैं आपको उसी ट्रैक्टर की तरह, सेम उसी ट्रैक्टर की तरह चला के दिखाऊंगा कि अब देखो, ये मैंने आपको RPM भी चेक करा दिए थे, 1600 RPM सेट करवाए थे, तो 1600 RPM पे ही चला रहा है बंदा। अब मैं इसको ये भी दिखाऊंगा आपको कि पहले के गियर में, पहले के हाई में और दूसरे के हाई में भी चला के दिखाऊंगा। फिलहाल में आप ये टॉप के लो की चाल ट्राई करें, कितनी अच्छी चाल मिल जाती है हमें इस जॉन डियर की। वैसे जुताई की चाल जो होती है जॉन डियर की, हैरो ले लो या फिर कल्टीवेटर ले लो, तो वो टॉप के लो में ही है। सबसे बेस्ट चाल टॉप के लो में मिलती है आपको, सबसे सुपर चाल है इसकी जुताई की, टॉप के लो में बहुत ही अच्छी चाल मिल जाती है हमें। और ये देख सकते हो क्या शानदार तरीके से चल रहा है ट्रैक्टर, ना ही कोई लोड, ना ही कोई स्लिप। और ये आप चेक भी कर सकते हो कि टॉप के लो में कितनी चाल आ रही है, 1600 RPM पे चल रहा है ट्रैक्टर, ना ही कोई दब रहा है, ना ही कुछ लोड मान रहा है, स्लिप भी नहीं काट रहा, ये देख सकते हो। अब पहले के हाई में ट्राई कर पाता हूँ, पहले के हाई में इसकी 1600 RPM पे कितनी चाल है। शिवम, पहले के हाई में चली हो 1600 RPM पे, पहले के हाई में। ये किसान भाइयों, इसकी पहली टॉप के हाई की चाल है, वो सॉरी पहले के हाई की चाल है, ये इतनी मिलती है आपको पहले के हाई में। पहले के हाई में इसकी कुछ खास चाल नहीं है, ये देख सकते हो, ये आपको पहले के हाई में कुछ इस तरीके की चाल दिखेगी जुताई में। पहले के हाई में काफ़ी स्लो हो जाती है, और दूसरे के हाई में भी चेक कराता हूँ अभी, दूसरे के हाई में कुछ इसकी चाल ज़्यादा ही हो जाती है। तो अब मैं आपको दूसरे के हाई में चेक कराऊंगा। दूसरे के हाई में लगाइयो, ये आपको दूसरे के हाई में चलता हुआ दिखेगा। दूसरे के हाई में तो कुछ किसान भाइयों घोड़े की तरह भागता है जुताई में भी। और दूसरे के हाई में आप इसको चेक करें, ट्रैक्टर दब रहा है या क्या हो रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताना कि दूसरे का हाई में आपको कैसा चल रहा है ट्रैक्टर। दूसरे का हाई में 1600 RPM, वही 1600 RPM सेट कर रखे हैं बंदे ने, और ट्रैक्टर कुछ खास दब नहीं रहा है, और सेंसिंग वही हाइड्रो
लीवरों से कोई हाथ नहीं लगा रहा है, जहाँ पे सेट किए थे वहीं पे चल रहा है। तो देख सकते हो इसकी दूसरे के हाई की भी जुताई में चाल, क्या शानदार चाल है। ये देख सकते हो किसान भाइयों, धूल ही धूल उड़ रही है खेतों में। ये आप देख सकते हो सूखी मिट्टी है इसीलिए। अब किसान भाइयों दूसरे का आएगी, आपने टॉप का लो लगा ले, ये आपको टॉप के लो की जो चाल। तो किसान भाइयों जो सबसे सुपर चाल लगी मुझे, सबसे बेस्ट चाल लगी इस ट्रैक्टर की जुताई में, तो वही है टॉप के लो में इसकी 1600 आरपीएम सबसे सुपर बेस्ट चाल इसकी टॉप के लो में ही मिलेगी आपको। ना ही उसमें ट्रैक्टर कोई दबता है और ना ही कुछ स्लिप काटता। ये देख सकते हो टॉप के लो में क्या मस्त चाल है। और किसान भाइयों एक बार मैं आपको ऊपर चढ़ के और दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर आरपीएम कितने ड्रॉप कर रहा है। किसान भाइयों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि इस ट्रैक्टर की आपको सेंसिंग कैसी लगी। सेंसिंग के बारे में एक बार मुझे ज़रूर राय देना। चलियो आरपीएम भी कोई ड्रॉप नहीं कर रहा है ट्रैक्टर 1600 आरपीएम पे, सेम 1600 आरपीएम पे चल रहा है। ये देख सकते हो अभी आपने किसान भाइयों देखा होगा ट्रैक्टर कोई आरपीएम ड्रॉप नहीं कर रहा है 1600 आरपीएम पे टॉप किलो में। तो किसान भाइयों अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पूरा जॉन डियर 5103 35 HP का इंजन तीन सिलेंडर के साथ 2900 CC का ही लगभग वो इंजन है ट्रैक्टर, और 51 जॉन डियर 5105 तीन सिलेंडर 40 HP के अंदर 2900 CC का ये इंजन है। तो इन ट्रैक्टरों में कोई भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा फ्यूचरों का अंतर मिल जाएगा आपको देखने के लिए, वरना आपको फ्यूचर भी इन ट्रैक्टरों में सेम ही मिलेंगे। जॉन डियर 5103 और जॉन डियर 5105 सेम फ्यूचर मिलेंगे आपको, बस इसमें पावर स्टीयरिंग का विकल्प बढ़ जाता है, उसमें सादा मैकेनिकल स्टीयरिंग है और गियर का भी वही दिखेगा, और थोड़े से इसके PTO वाला गियर चेंज कर दिया है। इसमें डिफरेंशियल लॉक मिल जाएगा आपको, उसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलेगा। ऑयल ब्रेक इसमें देखने को मिल जाएंगे, ऑयल ब्रेक उसमें देखने को मिल जाएंगे जॉन डियर 5103 में। और सिंगल क्लच के साथ ये प्रोवाइड कर दिया कंपनी, और सिंगल क्लच के साथ उस ट्रैक्टर को प्रोवाइड किया है कंपनी ने, तो कोई भी इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा आपको खास। और सेंसिंग के बारे में बताएं कि सेंसिंग इसकी ज़्यादा बेस्ट है या जॉन डियर 5103 की बेस्ट है, तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और ट्रैक्टर कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। किसान भाइयों मेरे दिमाग से तो इन ट्रैक्टरों की दोनों की ही सेंसिंग सबसे बेस्ट है, उसकी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी सेंसिंग, और इसकी भी मुझे बहुत अच्छी लगी सेंसिंग। मैंने RPM भी चेक कराए पहले, दूसरे का हाई में टॉप के लो में भी चेक कराया, तो ना ही ट्रैक्टर दब रहा है ना ही कुछ हो रहा है। ये नए मॉडल के साथ है, वो ओल्ड मॉडल हो गया, बस आपको यही देखने के लिए फ़र्क मिलेगा। ये थोड़ा स्टाइलिश ट्रैक्टर लगता है क्योंकि ये नए मॉडल के साथ है, और वो ओल्ड मॉडल है तो वो थोड़ा आपको
छोटा सा दिखाई देगा इससे, लेकिन 35 HP और 40 HP में बस थोड़ा सा ही पावर में फ़र्क दिखाई देगा, वरना ट्रैक्टर में कोई चीज़ नहीं, दोनों सेम है। तो किसान भाइयों, वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो आपको जानकारी की वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।